कि एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं जिसको हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब इसमें जैसे आपके एग्जांपल्स आ सकते हैं कि फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, थर्ड मेंबर है, लाइक यू हैव डन इन योर 10th स्टैंडर्ड की सीक्वेंसेस। जब एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो के बाद सीक्वेंस में मैंने सपोज मेरे पास इस पर मुझे नंबर्स हैं, इनके बीच में जब आपका ऑपरेटर लग जाएगा मैं तो प्लस का साइन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा जो है दिस विल बिकम द सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में दिस इज द डिफरेंस। सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है वो कॉमास के साथ आपकी गिवन होती है, सीरीज की जो टर्म्स होती है उसके बीच में आप ऑपरेटर्स लगा देते हैं। फर्स्ट वाली सीरीज जो है दैट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंगली, कि जो ये हमारा सीक्वेंस गिवन है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर ये आपका अप टू डैश जा रहा है तो दिस सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, और जो आपका सीरीज है दैट विल आल्सो बी एन इनफाइनाइट सीरीज। सेम वे में लेट अस सपोज मैंने एक और लिस्ट ऑफ नंबर्स ले ली अप टू ए एन। अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपकी दैट इज काउंटेबल, कि एन तक आपके पास टर्म्स हैं, तो दिस इज योर, अगर कॉमास लगा हुआ है तो दिस विल बी द फाइनाइट सीक्वेंस। अगर मैं ये कॉमास रिप्लेस कर देती हूँ विद प्लस तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनाइट सीरीज। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं तो दैट विल बी द फाइनाइट सीरीज, आगे कर लीजिए, और अगर ये काउंटेबल नहीं है तो दैट विल बी द इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज जो है हमेशा हम उनको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म मीन्स लाइक अभी ये चीज है आपका ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन, इसको मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर रिप्लेस करना है, सिग्मा जो है ये साइन में आगे, समिशन भी इसको बोलते हैं, सिग्मा या समिशन। सिग्मा या समिशन का मतलब क्या है आपका, कि जो भी इसके आगे आप टर्म्स लिखोगे दैट विल बी एडेड, वो सारी प्लस होंगे। अब इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या कैसे लिखना है, मैंने क्या किया इन वन टू थ्री फोर अप टू एन को ए आई की फॉर्म में लिख दिया, और अब मुझे पता है कि सिग्मा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई की वैल्यू जो है वो मुझे कहाँ से कहाँ तक लेनी है, वन टू थ्री अप टू एन, तो इट मीन्स आई इज इक्वल टू वन टू एन। जब ये इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा होगा तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस सिग्मा या समेशन ए आई इज इक्वल आई इक्वल टू वन टू एन।
तो समेशन मीन्स जितनी भी टर्म्स इससे बनेगी दैट विल बी एडेड और आई की वैल्यू वन से एन तक वेरी करेगी, यानी कि यहाँ जहाँ आए है उसमें आप उसको वन से लेके एन तक चेंज कर दो, क्या क्या बन जाएगा, ए आई, आई को पहले वन लोगे तो दिस विल बी ए वन, फिर आई को टू लोगे, फिर आई को थ्री लोगे, फिर आई को फोर लोगे एंड सो ऑन, लास्ट में आई को एन ले लोगे। अब ये समेशन का साइन का मतलब क्या है, इनके बीच में सबके बीच में क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। क्लियर, सुना है, गर्दन हिलगी, क्लियर, जल्दी बैठो फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे एज अ सबस्क्रिप्ट आता है ये और इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, मतलब इसके अंदर। तो अब यहाँ देख लो चैप्टर 9, हाँ जी हाँ जी, सीक्वेंस सीरीज का डिफरेंस किया हुआ है, याद है, सीक्वेंस कोई भी जो नंबर्स हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स आप कह दो जिसको हमने लिखा, लाइक ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, अगर ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तो दिस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, अगर लास्ट टर्म आपकी गिवन है तो दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंसेस के लिस्ट में जब हम प्लस का साइन या माइनस का साइन कोई भी ऑपरेटर बीच में यूज कर लेते हैं देन दिस बिकम्स अ सीरीज, मोस्टली प्लस का साइन ही लगता है यहाँ पे, तब ये क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है, या फिर ऑल्टरनेट माइनस का या प्लस माइनस का किसी भी तरीके से लग सकता है। सेम वे में अगर ये अप टू इंफिनिटी जा रही है दिस विल बी इनफाइनाइट सीरीज, अगर अप टू एन जा रही है तो फाइनाइट सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट, अगर नॉन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो इट विल बी इनफाइनाइट। उसके बाद है कि सीरीज को जब हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से ना लिख के एक स्पेसिफिक इसका पैटर्न बना देना चाहती हूँ कि उसमें उसको चेंज कर, हाँ जी, लास्ट टर्म है ना इसकी, नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी काउंटेड, हाँ जी, एन की कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है, यहाँ पे अप टू इंफिनिटी डैश 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 मतलब हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, सो दिस इज इनफाइनाइट। अब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, हमने क्या किया, हमें ये पता है कि जो इसके सब्सक्रिप्ट हैं वो वन से लेके एन तक चेंज हो रहे हैं, ए यहाँ पे ए से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, हमने जो सेम था वो लिख लिया, देन आई चेंज हो रहा है, सब्सक्रिप्ट चेंज हो रहा है, उसको मैंने आई से डिनोट कर दिया, वेरिएबल ले लिया, समेशन का मतलब ये सब ऐड हो जाएंगे, सिग्मा भी इसको बोलते हैं, और उसके बाद आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आई को पहले वन लिया तो दैट विल गिव अस ए वन, फिर आई को टू लोगे दैट विल गिव अस ए टू, आई थ्री ए थ्री, आई फोर पे ए फोर एंड सो ऑन, और सिग्मा या समेशन का साइन मीन्स इनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, तो इट मीन्स ये कॉम्पैक्ट फॉर्म, क्लियर है, आ गया समझ, हाँ जी, कॉम्पैक्ट मीन्स इसको शॉर्ट करके हमने लिख लिया, दोबारा देख लो, कॉम्पैक्ट फॉर्म हमेशा समेशन के साथ, देन एक वेरिएबल होगा यहाँ पे जिसकी वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास टर्म्स ए वन ए टू ए थ्री ए एन थी तो मैंने ले लिया इसको ए आई, ठीक है, अब आई क्या है, वन से लेके एन, यही चीज लेट अस सपोज मुझे ऐसे गिवन है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अप टू टेन ले लिया, ठीक है, इसको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, तो आई विल राइट इट डाउन, समेशन, यहाँ पे इसको मैं किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दूंगी, लेट अस सपोज मैंने एक्स ले, अब नंबर्स क्या है, वन से लेके टेन तक, तो इट मींस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, वन से लेके टेन, अब रिप्लेस करो, एक्स पहले क्या लोगे, वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, और समेशन का साइन मीन्स बीच में क्या आ गया, प्लस, समझ आया नहीं, हाँ जी, फिर आपको यहाँ पे 2x लेना पड़ता और यहाँ लास्ट लेटर सपोज ये होता आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू लास्ट, मान लो n है या 2n है जो भी है, तो यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे और यहाँ वो नंबर आ जाएगा,
एक एक करके बोलो। हाँ जी कहाँ पे? नहीं बेटे मैंने यहाँ 2x ले लिया ना, तो x को जब मैं 1 पुट करूंगी दैट विल गिव मी 2, जब मैं 2 पुट करूंगी दैट विल गिव मी 4। तो किसी न किसी तरीके से हम उसको आगे ऐसे क्वेश्चन अब वैसे मेरे ख्याल डिलीट हो गए हैं, अदरवाइज इस पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है कि हमें ऐसे एक सीरीज गिवन होती है उसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख के देन वी यूज टू सिंप्लीफाई दैट। क्या यहाँ से बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, जो भी वेरिएबल यहाँ है और जो वैल्यूज यहाँ है वो पुट करते जाओ और बीच में प्लस का साइन लगा दो। मान लो मुझे यहाँ पे ऐसे गिवन है समेशन एन स्क्वायर और एन वेरीज फ्रॉम 1 to k। अब यहाँ पे ये और ये सेम, तो जहां जहां एन है वहां वहां 1 to k तक वैल्यूज रिप्लेस कर दो। पहला क्या आएगा 1 square, फिर 2 square, फिर 3 square, समेशन है तो बीच में प्लस डालते जाओ। ठीक है आई को 1 एन को 1 पुट करो, 1 into 1 minus 1 is 0, एन को 2 पुट करो, 2 into 2 minus 1 is, जो यहां है वो यहां पुट करो। हाँ जी हाँ जी, और इसमें पुट करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो लिखते जाओगे बीच में प्लस का साइन। ठीक है अब एन को 3 पुट करोगे तो 3 2 are 6, एन को 4 पुट करोगे 4 3 are 12, 5 पुट करोगे 5 4 are 20। तो ये आप जो भी यहाँ है अकॉर्डिंगली उतनी आपकी, अगर 1 से शुरू हो रहा है तो उतनी टर्म्स ऐड हो जाए। ठीक है क्लियर है? अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। इस तरह के क्वेश्चन हमने वैसे 10th में किए भी हुए हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 वेयर nth टर्म्स आर। अब हमें nth टर्म्स गिवन है और हमने क्या लिखना है, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। हाँ जी एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर दोगे और आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगे। हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए एन गिवन है हमें एन इंटू एन प्लस 2। अब फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5। ठीक है अब बताइए ए 1 क्या आएगा आपका, एन को 1 पुट करोगे 1 into 1 plus 2 दैट इज 3, एन को 2 पुट करोगे 8, 3 पुट करोगे 15, 4 पे 24 एंड इन द सेम वे 5 पे दिस विल बी 35। आ गया समझिए? अब फिफ्थ पार्ट पे आओ, सेकंड थर्ड फोर्थ यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ पार्ट -1 to the power n minus 1 into 5 to the power n plus 1। -1 raised to power n minus 1, 5 to the power n plus 1. Again, first 5 terms you have to find. हाँ जी पहले में n को 1 put करोगे तो -1 raised to power 0 is plus 1, 5 raised to power 1 plus 1 is 5 square, that is 25। A 1 clear है कैसे आया? मधु समझ आ गया ये? पूरा क्लियर? हाँ जी ये भी सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है यूजिंग द nth टर्म दिस। जब n को 1 पुट करोगे तो a 1 इज इक्वल टू -1 raised to power 1 minus 1 5 raised to power 1 plus 1, एनी नंबर raised to power 0 इज 1। हाँ जी
अगला क्या आ जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर वन नेगेटिव ऑफ फाइव क्यूब माइनस 125. नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट नेक्स्ट विल बी अगेन पॉजिटिव, यही आ रहे या 15625 है, हाँ यहाँ 6 आए 15625. क्लियर, चलिए अगले पे. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7-10 हूज nth टर्म्स आर गिवन. अब यहाँ पे हमें nth टर्म्स गिवन है और साथ में नंबर्स गिवन है, लाइक इन द 7th क्वेश्चन वी आर गिवन A17 एंड A28, यानी कि 17th टर्म और 28th टर्म हमने निकालनी है. n को 17 पुट करोगे, n को 28 पुट करोगे, ये वाला या ये माइनस वन रेस टू पार फाइव माइनस वन इज फोर, फाइव रेस टू पार फोर प्लस फाइव प्लस वन फाइव रेस टू पार सिक्स. चले सेवेंथ बताओ अब क्या आएगा इसमें. ए एन गिवन है फोर एन माइनस थ्री, A17 into 4 minus 3, 68 minus 3 that is 65. ऐसे ही 28, हाँ 24, 4 into 24 minus 3 कितना आ जाएगा ये 93. नेक्स्ट बताओ कौन सा करना है, 8, 9, 10 में से. ये मेथड क्लियर है मधु, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन एंड एन क्यूब एंड यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नाइन. एन को क्या पुट कर दोगे, नाइन. कौन से क्वेश्चन पे बैठे आप, ओके. अब ए नाइन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एन जहां जहां है वहां वहां नाइन से रिप्लेस कर. आ रहे हैं, हाँ जी पॉजिटिव. माइनस वन रेज टू पावर इवन नंबर विल गिव यू प्लस वन एंड नाइन क्यूब इज 729. ठीक है, अच्छा जी. अब क्वेश्चन नंबर 11 वाले पे आ जाओ. राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन द क्वेश्चंस 11-13 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. हमें ए वन गिवन है, ए एन गिवन है और हमें क्या निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज निकालनी है, यानी कि बाकी टर्म्स हमने इसकी निकालनी है. इसमें बच्चे हमें फर्स्ट फाइव टर्म्स लिखनी है सीक्वेंस की एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, जो भी सीरीज है वो हमने निकालनी है. इलेवेंथ क्वेश्चन. अब ए वन गिवन है मुझे 3 और ए एन गिवन है 3 ए ऑफ एन माइनस वन प्लस
टू, यानी कि जो ये ए एन है इसको निकालने में प्रीवियस टर्म यूज हो रही है, इसीलिए उन्होंने जो फर्स्ट टर्म है वो हमें दी हुई है. और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन का फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन मीन्स एन इक्वल टू टू से हम अब इसको लेके चलते हैं. तो ए टू क्या आ जाएगा, दैट विल बी थ्री ए वन प्लस टू. यहाँ पे एन को टू पुट करोगे, टू माइनस वन वन आ जाएगा, तो थ्री टाइम्स द फर्स्ट टर्म प्लस टू, कितना आ जाएगा ये थ्री थ्री जार नाइन प्लस टू इलेवन. तो सेकेंड टर्म आ गई हमारी इलेवन. हाँ जी, ए वन हमें थ्री गिवन था और ए एन हमें गिवन है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है. हमें फर्स्ट फाइव टर्म्स इसकी निकालनी है. अब एन ग्रेटर देन वन लेके चलना है, तो नेक्स्ट टर्म इज टू. डेसिमल्स में टर्म्स नहीं होती हमारी, जो टर्म्स की वैल्यूज होती है. तो ए सेकेंड टर्म आ गई, सेकेंड टर्म इज थ्री, यहाँ पे एन को टू पुट किया, टू माइनस वन इज वन और ये प्लस टू एज इट इज. ठीक है, अब ए वन की वैल्यू हमें गिवन थी थ्री, वो यहाँ पे पुट की तो आंसर आ गया. अब थर्ड टर्म हमने निकालनी है, तो सेकेंड टर्म उसमें यूज होगी हमारी, तो दैट विल बी थ्री इंटू थ्री ए टू प्लस टू. ए टू अब आपने इलेवन निकाला है प्लस टू, थर्टी फाइव आ रहा है. अब ए फोर और ए फाइव बताओ क्या आ रहा है, एन को फोर और एन को फाइव फुट 107, बिल्कुल ठीक है. थ्री ट्वेंटी थ्री और थर्टी थ्री, ट्वेंटी थ्री. ठीक है, समझ आ गया ये. अब ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज बनाने के लिए क्या करोगे, इनको प्लस करके लिख दोगे. सम नहीं लिखना, बट बीच में वैसे प्लस का साइन डाल के लिख दोगे. कॉमास में सीक्वेंस बनता है, सीरीज के लिए प्लस का साइन बीच में आएगा. हाँ जी, हाँ जी. थ्री प्लस इलेवन प्लस थर्टी फाइव प्लस वन जीरो सेवन प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री एंड सो ऑन. कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म है ये आपके पास थ्री ए एन माइनस वन प्लस टू. एनथ टर्म वही एज इट इज लिख दोगे जो है. अगला बताओ, अब एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू गिवन है, क्योंकि ए ऑफ एन माइनस वन यूज हो रहा है और ए वन आपको माइनस वन गिवन है, सेम इसी तरीके से है. क्वेश्चन ट्वेल्व, हाँ जी, क्या आएगा, ए वन गिवन है माइनस वन, ए टू बताओ क्या आएगा. देखो ए एन गिवन है ए ऑफ एन माइनस वन अपॉन एन, और ए वन कितना गिवन है माइनस वन. तो ए एन यानी कि सेकेंड टर्म आ गई आपकी ए वन अपॉन दिस इज एन माइनस वन अपॉन टू. ए थ्री क्या आ जाएगा, ए टू अपॉन, ठीक है, कहा वन माइनस वन बाय टू इज डिवाइडेड बाय थ्री. जहां कंफ्यूजन हो ऐसे लिख लो, यहां ये है. अब डिवाइड आपको पता है जैसे छोटी क्लासेस में हम करते थे, माइनस वन बाय टू इंटू वन बाय थ्री, तो दैट इज माइनस वन बाय सिक्स. नेक्स्ट माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर, नेक्स्ट विल बी वन ट्वेंटी. ठीक है, देन यानी कि प्रीवियस टर्म को जितनी भी टर्म है उस वाले एन से मल्टीप्लाई करते जाओ. माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर, फिफ्थ टर्म है तो फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म है तो
प्रीवियस वाली टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जितनी टर्म आपने निकालनी है प्रीवियस टर्म को उस वाले एन से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, 13, फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन है, अब हमें 2, दो टर्म्स अब हमें गिवन है और ए एन गिवन है, दैट इज ए ऑफ एन माइनस वन माइनस वन। हाँ जी, ऐसे अब ए एन यानी कि ए थ्री, तो दैट इज ए टू माइनस वन, तो दैट इज वन, बिल्कुल ठीक है। ए फोर, एंड सो ऑन, फर्स्ट फाइव फाइव टर्म्स निकालनी है। हाँ जी, ठीक है, फिर आगे उसको सीरीज में लिखना है तो ऐड करके लिख दोगे, जिसके आगे जो साइन है वो एज इट इज ले लोगे। अब द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज ए वन और ए टू, फर्स्ट टू टर्म्स इसमें वन होती हैं और nth टर्म इज फिबोनाची सीरीज है, ये सीरीज का नेम है, जिसने दी थी उसके नेम से रखा गया है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू टर्म्स, यानी कि जो प्रेजेंट टर्म में निकाल रही हूँ उसमें प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड कर देंगे। सो आपको गिवन है ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन टू, वेयर एन इज ग्रेटर देन टू, यानी कि एन को आप थ्री से लेके चलोगे। हाँ जी, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, ए वन और ए टू हमें वन वन गिवन है, तो ए थ्री आ जाएगा आपका ए टू प्लस ए वन, यानी कि वन प्लस वन दैट इज टू, बातें नहीं बेटा। ए फोर आ जाएगा आपका ए थ्री प्लस ए टू, यानी कि वन प्लस टू दैट इज थ्री। तो यहाँ जो आपका सीक्वेंस बनेगा एंड सो, पहले दो को ऐड किया ये आ गया, टू प्लस वन करोगे थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस फाइव थर्टीन एंड सो। हाँ जी, मैंने वैसे समझाने के लिए लिख दिया, क्लियर। इसी को आप सीरीज में लिख लोगे। फिर अगले में वो कह रहे हैं फाइंड ए ऑफ एन प्लस वन अपॉन ए एन फॉर एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट हुआ तो वी विल डिस्कस दैट। हाँ जी, हाँ जी, प्लस डालना है वो सीरीज तब बनेगी, इसमें नहीं कहा उन्होंने सीरीज के लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस में डालना है, इसमें उन्होंने सीरीज नहीं पूछी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, यू कैन लीव द मीटिंग।